तो गाइस अभी जी है मेरा घर देख रहे हैं आप, अभी सब सोने में लगे हुए हैं। अभी तकरीबन 8:15 बज रहे हैं सुबह के और मैं अभी जल्दी जाग गया था आज। और अभी भी मैं आपको आगरा शहर के नज़ारे दिखाने वाला हूँ इस कोहरे के टाइम में। और काफ़ी कोहरा है आज, दो दिन कल भी कोहरा था और कल मैं अपने मामा जी के यहाँ था, वहाँ पर भी काफ़ी सारा कोहरा था क्योंकि वहाँ पर खेती है, खुला उला होता है तो वहाँ पर कोहरा ज़्यादा रहता है। अभी मैं जल्दी निकलता हूँ, इसी वजह से मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ के नज़ारे कोहरे में कैसा दिखता है अपना आगरा शहर। तो चलिए से चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते और दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी अपनी गाड़ी से हम निकल चुके हैं अपने, अभी हम जा रहे हैं राजा मंडी की तरफ और दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से यहाँ का सीन। हाँ तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं राजा मंडी की तरफ और जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारा कोहरा है यहाँ पर और सामने जो पेड़ है वो भी साफ नज़र नहीं आ रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद कोहरा देखने को मिला है। और अभी दो दिन पहले भी कोहरा था लेकिन मैं उसके वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज मैं आपको आगरा शहर के नज़ारे दिखाने वाला हूँ उस कोहरे में। तो आइए दोस्तों चलते हैं राजा मंडी की तरफ और जो भी सीन है आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और काफ़ी टाइम बाद मैं आगरा शहर की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके जरूर रख देना जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन अब मिलती रहे। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और जो भी सीन आपको दिखाते हैं इस कोहरे में आगरा शहर के नज़ारे। देख सकते हैं आप काफ़ी ज़रा कोहरा नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम का सीजन। और लग जाए दोस्तों दोपहर तक तो धूप निकली आएगी क्योंकि रोजाना ऐसा ही होता है जब कोहरा निकलता है तो धूप भी ज़रूर निकलती है। देखते हैं दोस्तों आज ऐसा लगता है सारी धूप नहीं निकलेगी और देखते हैं भाई क्या आवाज बाकी तो दोस्तों आप देखिए आप इससे सारी इसके लिए रावली की तरफ, रावली महादेव मंदिर है यहाँ पर और यहाँ का सीन कुछ ऐसा रोड का देख सकते हैं। और दोस्तों क्या बताऊँ यार, आज ठंडे पड़ चुके हैं बिल्कुल ही। अभी हमारे सोचा है कि हमने आगे चल के गाड़ी रोके तो अभी आज काफ़ी गर्म ठंडे हो चुके हैं, गाड़ी चलाने में दिक्कत भी हो रही है। तो यार काफ़ी सर्दी लग रही है आज, तो यार काफ़ी टाइम बाद मैं अपने घर से निकलता हूँ।
आज तो संडे है, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अभी सुपर भी नहीं जगे होंगे, और मैं आज जल्दी जाग गया था इसलिए से मैंने सोचा कि आपको अगर सारे देखा हूँ इस कोरे में। तो दोस्तों वो देख सकते हैं, और रेलवे लाइन है नीचे, नीचे रेलवे लाइन आ रही इस कोरे की वजह से, और आगे की तरफ है रापी महादेव मंदिर। भाई साहब क्या कोहरा पड़ रहा है यार, मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है बर्फ़ पड़ जाती तो अच्छा रहता, लगता है ना कि बर्फ़ तो गिरी नहीं होगी हिमाचल साइड में, अच्छी गिर रही है कोहरे की दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि तो गाड़ी पर अभी हम इसी वजह से, और इधर सामने की तरफ रापी महादेव मंदिर वो पीछे तरफ हो गया मेरे अदर साइड होगी। तो दोस्तों अभी हम रुक चुके हैं रापी किनारे पर, जैसे आप पीछे देख रहे हैं काफ़ी सारा कोहरा है और काफ़ी ठंडे ठंडे आता हुआ गाड़ी चलाते चलाते भाई के, भाई अभी चाय पीने के लिए गए पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, और मैं भी थोड़ी चाय पी लूँ थोड़ा गर्म हो जाऊँ, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ, यहाँ से हम जीतेंगे सीधे ताजन के लिए, और जो भी सीन होंगे आपको दिखाएंगे आगे जाकर। अभी हम चाय पी करके निकल चुके हैं आगे की तरफ, और देखते हैं दोस्तों यहाँ से हम ताजगंज जाने की सोच रहे हैं, देखते हैं वहाँ का कैसा माहौल है इस कोहरे में, तो आइए दोस्तों चलते हैं और दिखाते हैं आपको भाई इस कोहरे के नज़ारे। तो भाई साहब यहाँ पर तो और ज़्यादा ही कोहरा है, देख सकते हैं हम चेहरे पर ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है इस कोहरे की, तो काफ़ी अच्छा आनंद आ रहा है हमें। तो भाई साहब अभी धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि सुबह चुके हैं, अभी हाथों में अभी सर्दी बैठ गई उनके। और दोस्तों ये छिपेटोला की मंडी, जो दोस्तों फल मंडी है यहाँ की देख सकते हैं, हम यहाँ पर फल वगैरह लोग लगाते हैं, और पहले काफ़ी बड़ी मंडी थी लेकिन अभी जो मंडी है अभी वो सिकंदरा की तरफ पहुँच चुकी है, और पहले कई सारे दूध की दुकानें हैं यहाँ पर, दूध पीने के लिए मैं आता था लेकिन अभी काफ़ी दूध पड़ती है जिससे नहीं आता हूँ, और यहाँ कुल्लड़ का दूध काफ़ी अच्छा मिलता है और कचौड़ी का नाश्ता भी करें। और सामने की तरफ है छिपेटोला दोस्तों, यहाँ के कबाड़ी बाजार है, यहाँ पर जो पुरानी बाइकें वगैरह वो मिलती हैं, पुरानी बाइकों का सामान, क्योंकि जो पुरानी गाड़ियाँ हो जाती है लोगों की वो कट्टे के लिए यहाँ पर छोड़ जाते हैं, और जो उनका अच्छा जो सामान है लोग निकाल कर उनको बेच देते हैं, जो कि स्पेयर पार्ट होते हैं गाड़ियों के, एक्टिवा के, मोटरसाइकिल वगैरह के, और यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियों की दुकान है जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है, और ये दुकानें खुलती हैं तकरीबन 12 बजे खुलेंगी, और रात तो संडे आज की पता नहीं है लेकिन रोज़ाना खुलती हैं दुकानें, और देख सकते हैं अभी पुराना माल पड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी को स्पेयर पार्ट है टायर वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को खरीदना चाहते हो और कोई पार्ट आपका गाड़ी ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर आप लेकर आकर ले सकते हो कोई भी पार्ट है एक्टिवा मोटरसाइकिल बाइक वगैरह का। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से सीधे आगे की तरफ और सोचते हैं ताजगंज की तरफ चलते हैं और आगे को दिखाते हैं आगे के नज़ारे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कोहरा काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और दोस्तों ये है छिपेटोला मार्केट है, यहाँ पर बिजली के तार वगैरह मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के सामान, और यहाँ पर कोहरा कम है भी, तो आगे चलकर देखते हैं कैसा सीन आगे का। लोगों ने अपनी दुकानें सजा दी हैं, सब्जी की दुकान वगैरह और दूध की दुकानें भी सज चुकी हैं देख सकते हैं आप। तो अभी हम मुड़ते हैं सीधे दाचन के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं विजय वल्लभ चौक पर, जैसे आप देख रहे हैं पीछे है विजय वल्लभ चौक, और इधर की तरफ है बिजली घर, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा कोहरा है, और ये हमारा भाई जो कि गाड़ी चला रहा था उसको अभी हाथों में सर्दी लग चुकी थी, उसके बाद कह रहा था भाई गाड़ी रोक लो तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी, और अभी रुक चुके हैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे फिर आगे तरफ चलेंगे, अभी चौक का नज़ारा दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। We'll be right back.
शिवाजी महाराज की मूर्ति, और सामने की तरफ सीधे आ रहा किला, वो भी साफ नजर नहीं आ रहा है इस कोहरे की वजह से। देख सकते हैं आप दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कोहरा है इस जगह पर। और इधर की तरफ है बिजली घर राइट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में बिजली घर है और राइट साइड में है आगरा किला सामने की तरफ। तो अभी हम चलते हैं ताजमहल की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे का सीन। दोस्तों है ये है आगरा किला जो कि नज़र नहीं आ रहा है कोहरे की वजह से, और आगे तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगरा सीन। भाई साहब कोहरा ही कोहरा है भाई, आज तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। और दोस्तों आगरा किला का जो पार्क है वो भी नज़र नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप कोहरे के कारण, और लाइटें भी चली हुई है। और आगरा शहर की सड़कों के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि हर जगह सफाई होना ज़रूरी है, तो सफाई होना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम जो खा पीते हैं रोडों पर चीज़ें वो फेंक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। अपने यहाँ पर शहर की सफाई हमें अपने हाथों में रखनी है, और जब भी कहीं जाएँ तो कूड़ा वगैरह ना डालें सड़कों पर। बस यही हिदायत देना चाहूँगा आप सभी को, ठीक हो सारी। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, देख सकते हैं हम साझा गार्डन के बाहर का सीन जैसा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारा कोहरा है, और कुछ लोगों ने अपनी दुकानें सजा कर दिया। डेढ़ सर्दी के मौसम में भाई इंसान को काम के बिना कुछ नहीं है यार, काम है तो सब कुछ है लेकिन बिना काम के कुछ नहीं है। और दोस्तों देख सकते हैं हम सामने है ये मूर्ना झलकारी भाई की कोली की मूर्ति है, और अभी निकलते हैं यहाँ सीधे आदि घाट के लिए। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं दरेसी नंबर 3 पर, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर दरेसी नंबर 3 पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं मेरे पीछे रखी हुई, जैसे आप देख रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति है। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है पीछे की तरफ का, यहाँ पर भी काफ़ी सारा कोहरा है, तो देख सकते हैं यहाँ का शानदार नज़ारा। तो आइए दोस्तों अभी हम चलते हैं राहत पहाड़ी की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे का सीन। साहब ये है दरेसी का पेट्रोल पंप, और आगे की तरफ है रातपाड़ा, यहाँ पर है मंगलेश्वर मंदिर जो कि अभी बंद है कोरोना की वजह से, शायद पक्का मेरे को पता नहीं है, तो अभी खुला नहीं है, देखेंगे शायद मौका मिला तो आपको मंदिर के दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। और ये है दरेसी नंबर 2 के नज़ारे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मनकामेश्वर मंदिर, जैसे हम मेरे पीछे देख रहे हैं जो कि मंदिर अभी बंद है खुला नहीं है, तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ पे नज़ारे दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैं हूँ अभी रात पहाड़े में, जैसे हम मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों ये आगरा शहर का मसालों का बाजार जिसे रात पहाड़े के नाम से जाना जाता है। और अभी मैं आपको यहाँ के एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ जो सर्दियों में मिलती है जिसे बोलते हैं सोले मस्जिद, आए दूर चलकर दिखाते हैं आपको कैसे होते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी मैं हूँ रात पहाड़े में, जैसे ही मैंने आपको बताया अभी मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों, ये है सोले मजे बोलते हैं जो कि दूध से बनाए जाते हैं, और इनकी जो कीमत है वो है 400 रुपये केजी जो कि दूध से बनाया जाता है, दूध मलाई भी बोलते हैं कुछ लोग इसे। दोस्तों यह जो चीज़ है वो अलग अलग शहरों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, और आगरा शहर में इसे सोले मजे के नाम से जानते हैं, काफ़ी सारी दुकानों पर ये मिलते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा इनका जो सीजन है वो सर्दियों में ही आता है, सर्दियों में ये मिलते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, देख सकते हैं हम दो दो ठेले हमारे पहाड़े में लगी हुई है जिससे अभी हमने ये लिया है, जो भैया जो हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो देख सकते हैं अभी भी खाते हैं और ख़त्म करते हैं फिर बात करते हैं हम। ठीक We'll be right back.
अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर पर। और दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाई आगरा शहर की सबसे फेमस चीज़ जो कि सर्दियों में मिलती है, छोले मंजी, और काफ़ी अच्छे लगते हैं दोस्तों ये खाने में, जो कि दूध से बनाए जाते हैं। और दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक वाइट कलर के होते हैं और एक येलो कलर के होते हैं, जो कि मलाई वाले होते हैं वो येलो कलर में होते हैं, जो वाइट वाले होते हैं वो फीकी होते हैं, तो उनको मिक्स करके खाया जाता है और ऊपर से बूरा या फिर चीनी या फिर तगार डाला जाता है, काफ़ी अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। वैसे तो मुझे पता है आगरा शहर के लोगों ने काफ़ी बार ये खाए होंगे और काफ़ी लोग इनको खाते हैं, काफ़ी अच्छा भी लगता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि किन लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है और कौन कौन लोग इनको खाते हैं। और दोस्तों ये कुछ नज़ारे थे आगरा शहर के, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया, जो कि कोहरे के वीडियो था, काफ़ी सारा कोहरा मिला आगरा शहर में आज देखने के लिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि मेरा नया यूट्यूब चैनल है। और मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या देखना चाहते हो आगरा शहर के नज़ारे में। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।